सलूम्बर क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा पर शुक्रवार को विभिन्न अनुष्ठानों एवं पुण्यदान के आयोजन हुए। पूरे कार्तिक माह तक व्रत करने वाले लोगों ने सूर्योदय से पूर्व विभिन्न सरोवरों में स्नान कर पूजा अर्चना की। इधर सलूम्बर नगर में शाम को महिलाओं ने सेरिंग तालाब एवं सरनी नदी पर महिलाओं ने दीपदान कर महीने भर से चल रहे व्रत पूजा का उद्यापन किया। क्षेत्रों के विभिन्न देवालयों में विशेष पूजा अर्चना एवं अनुष्ठान हुए। तो वही माहेश्वरी समाज द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर शुक्रवार को नगर के चारभुजानाथ मंदिर के शिखर पर ध्वजा परिवर्तित की गई। समाज के अध्यक्ष जगदीश भंडारी ने बताया कि हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मंदिर शिखर पर ध्वजा परिवर्तित की जाती है, जिसके चलते शुक्रवार को समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा भगवान चारभुजानाथ की आरती ध्वजा परिवर्तन का लाभ लिया एवं भगवान को भोग धराया। इस मौके पर समस्त समाजजन महिलाएं एवं नवयुवक उपस्थित रहे। तो आज सलूम्बर नगर के सेरिंग तालाब के पास स्थित बालाजी मंदिर परिसर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगरवासियों की ओर से भगवान श्री बालाजी को 56 भोग के तहत विभिन्न मिठाइयां एवं भिन्न भिन्न स्वादिष्ट व्यंजन आदि का भोग धराया गया। इससे पूर्व सुबह मंदिर प्रांगण में विद्युत सज्जा सहित बजरंगी बलि को विशेष आगी धराई और अन्नकूट प्रसाद वितरण किया गया।